तो गाइस, जैसा कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारी स्पीसीज के स्पैरो हॉक पाए जाते हैं, तो उनमें से एक स्पीसी को हमने ट्रैप करके सक्सेसफुली रिलीज भी कर दिया। तो कुछ ये 1.5 घंटे तक मेरे पास में रहा, तो मैंने एक एक इसके बॉडी पार्ट की वीडियो बनाई है, जो कि एक डेडली वेपन की तरह वर्क करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दी बेसरा स्पैरो हॉक। तो गाइस, ये वीडियो देखकर आपको कभी भी इसे हाथ में लेने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं। और अगर इसने आपको अपने नेल से स्क्रैच ही मार दिया या काट ही क्यों ना लिया, तो आप बेहोश भी हो सकते हैं, आपको चक्कर आना भी स्टार्ट हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपका घाव ना भरे और उसमें पस बनना स्टार्ट हो जाए। तो इससे आप जितनी दूरी बनाकर रखें उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फर से। ये ऊपर से है डार्क कलर में और ये ब्राउन चॉकलेटी टाइप का, नीचे से ये हल्के कलर में है और इसके स्पॉट है। नंबर 2 में हम लोग इसके नेल चेक करेंगे, तो ये नेल आप लोग देख सकते हैं कितने बड़े बड़े नेल्स हैं, और इसके पंजे जो है ना येलो कलर के हैं, ठीक है। बाकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील हो रहे हैं टच करने से, और इसके नेल भी काफ़ी ज़्यादा लंबे हैं, ब्लैक कलर के नेल्स हैं इसके, और काफ़ी ज़्यादा शार्प और नुकीले धारदार नेल हैं इसके। बाकी ये आप लोग देख सकते हैं इसके नेल किस प्रकार से मुड़े हुए हैं, जैसे कि विदेशी लोग क्या करते हैं ना, फिशिंग करते हैं तो मछली का कांटा, ये फिशिंग रॉड लिए रहते हैं तो उसके आगे कांटा लगाते हैं, तो उसी टाइप के इसके नाखून हैं। एक बार अगर घुस गए तो वही निकलने नहीं है नेल, ठीक है। इसीलिए जो है ना सबसे बड़ा रिस्क इसको पकड़ने का रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, और 2 बार जो है ना मैं अपनी उंगली दबा चुका हूँ, तो मुझे पता है कितना दर्द होता है, कितना नुकसान पहुँचाता है। और ये वीडियो बनाते टाइम पे भी उसने एक बार दबा दी थी उंगली, ठीक है। छुड़ाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसका फर किस प्रकार का है, किस कलर का है, ठीक है। इसकी चोंच का कलर भी ब्लैक है, आप लोग देख सकते हैं, नेल भी ब्लैक हैं इसके। फर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का है कि अगर पेड़ पर बैठा होगा तो देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसकी बॉडी आप लोग देख सकते हैं स्ट्रीम लाइंड है, ठीक है। इसका सिर आप लोग देख सकते हैं चपटा है, फेस आप लोग इसका देख सकते हैं इंसान की तरह ही है, दोनों आगे सामने आपको दिख रही होंगी, ये देख सकते हैं। उल्लू, उल्लू की और ज़्यादा सामने होती है, उल्लू भी दिखाऊंगा मैं। एक फॉरेस्ट आउलेट तो आता है मेरी छत पर, रोज आता है वो रात के टाइम पर। अब जो है ना आपको नेल बिल्कुल पास से दिखाता हूँ और कंपेयर करके दिखाता हूँ कि मेरा नेल और इसका नेल, ठीक है, किसका नेल ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखिए आप लोग नेल किस प्रकार के हैं, 3 उंगली इसकी आगे है, 1 अंगूठा पीछे है इसके। तो कबूतर की तरह पैर है इसका, आप लोग देख सकते हैं कबूतर में भी ऐसे ही होता, 3 उंगली आगे, 1 पैर जो है ना पीछे होती है, ठीक है। तोतों में 2 आगे 2 पीछे, तोतों का अलग होता है। तो ये देखिए आप लोग, और ज़्यादा पास से खाता हूँ, कितना नुकीला, कितना लंबा, कितना पतला, कितना धारदार, कितना ब्लैक है भाई, ठीक है। अगर इसने धोखे से घुसा भी दिया तो इन्फेक्शन फैला सकता है। अब मिला लो भाई, मेरा नेल और इसका नेल मिला लो, कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसके फैदर वगैरह दिखाता हूँ, तो फैदर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के स्पॉट बने हुए हैं। तो ये देखिए आप लोग, इसके बीच में पता नहीं यार ये वाइट कलर के थोड़े से फैदर क्यों हैं, पता नहीं यार मुझे नहीं पता, गिली सूट जैसा बर करते हो गई है इसके लिए। तो जो कबूतरबाज लोग हैं भाई, बहुत तो जानते हैं परों की पहचान, तो उनके लिए ये खास वीडियो देख लो भाई, पास से कैसे पंख होते हैं। इसके उल्टे टाइम पे आवाज़ इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके आगे के शुरुआती पर छोटे होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। कबूतरों में ये शुरुआती पर जो है ना 3 लंबे होते हैं, और वो क्या होता है वाइब्रेट करते हैं उल्टे टाइम पर। इसके पर छोटे हैं, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी हार्ड पर हैं, तो ये वाइब्रेट कम करते हैं और आवाज़ कम आती है उल्टे टाइम पर। इसके डब हो गया आपका, और ये हो गया जो ना कबूतर, इनकी उड़ने के टाइम पे बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेशन होती है। पीछे का आप लोग पैटर्न देख सकते हैं इसका, नीचे से हल्के कलर का है, ऊपर से डार्क कलर का है ये। तो वीडियो भी बनाई है मैंने, वो दिखाता हूँ पहले आपको। इसके पैटर्न आप लोग थोड़ा नज़र डालिए, ध्यान से देखिए, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार का पैटर्न है ये। ये देख सकते हैं आप लोग, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी टेल। टेल इसकी है कहो भाई, बंद दुम कहते हैं इसको, कबूतरबाज लोग यही कहते हैं। इसकी दुम ऐसी है कि एक पर के ऊपर ही सभी पर रखे हुए हैं, ठीक है। और गिनती के फैदर्स हैं इसमें, ये भी आप लोग देख सकते हैं, और आगे से जो है ना गोल हैं इसके फैदर, ये आप लोग देखिए, काफ़ी पतले पतले फैदर हैं।
चलिए गिनते हैं कितने फैदर हैं इसकी टेल में, ठीक है। चलो भाई गिनते हैं, गिन लेते हैं जब पकड़ में आ गया तो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से 12, 12, 12, 14 फैदर हैं इसके। ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें अलग प्रकार का पैटर्न बना हुआ है, आगे से देख सकते हैं अलग प्रकार के बार हैं इसमें, ठीक है। टेल का कलर भी उसी प्रकार का है, कुछ इसके 3-4 कलर का मिक्सचर है, पता, पेल येलो हो गया, ब्राउन हो गया, चॉकलेटी हो गया, ब्लैक भी है थोड़ा थोड़ा इसकी आई के पास में। ये देखिए आप लोग किस प्रकार की टेल है इसकी। तो जैसा कि हर मांसाहारी जीप की तरह ये भी कुछ टाइम तक के लिए ही अपनी ताकत जो है ना यूज में ला सकते हैं, ठीक है। जो नॉन वेज होते तो उनका यही होता भाई कि जो है ना जैसे चीता वगैरह हो गया, आपका शेर वगैरह हो गया, कुछ दूरी तक काफ़ी तेज तेज दौड़ सकते हैं और फिर जो है ना नहीं दौड़ पाते, वो फिर जो है ना लप्पू बन जाते हैं। तो इसका भी ऐसा ही है भाई, थोड़ी देर के लिए बहुत तेज स्पीड से उड़ सकता है ये और फिर जो है ना कुछ नहीं कर सकता, फिर थक हार के बैठ जाता है आराम से। और कबूतर मान लो भाई वेजिटेरियन है, सुबह 4 बजे 5 बजे जो है ना गर्मी के टाइम पे उड़ा दिए जाते हैं और वो जो है ना दोपहर के 4-5 बजे शाम हो जाती है उतने टाइम पे, तो 12 घंटे 16 घंटे, ठीक है, इतने घंटे तक उड़ लेते हैं कबूतर बहुत आराम से, वो भी बिना रुके और बिना उतरे लगातार फ्लाइट देते हैं वो लोग। चलिए लास्ट में हवा में आपको दिखाता हूँ इसके आई के ऊपर एक जो है ना प्रोटेक्शन के लिए कुछ एक चीज़ है, उसका एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता लेकिन इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता होगा इसे उल्टे टाइम पर। इसकी आंखों पे हवा नहीं लगती होगी और सनलाइट नहीं लगती होगी सीधी इसकी आंखों पे। ये आप लोग देख सकते हैं भाई हल्का सा छाता टाइप का कुछ निकला हुआ है। तो चलो यही था भाई वीडियो, वाइट कलर की आइस है। वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बाकी हमने इसे लाइव स्ट्रीम कर लीच किया था तो सबके पास प्रूफ है भाई कि मैंने सही में छोड़ दिया था। बाकी आप लोग देख सकते हैं, देखना हो भाई एक बार तो मैंने छोड़ा दिया था क्योंकि पलल तो पते नहीं है भाई, है ना। जो खुद मारेगा, जंगली परिंदा ऐसा होता है जो खुद मारेगा वही खाता है, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है वो लोग सब कर लेते हैं, बहुत मुश्किल होता है इनको खिला पाना। Oh, oh, oh.